ये सब तो एक्सपेंसिव शोरूम है। अच्छा एक्सपेंसिव है। तो कितने साइज के लेके आई है? इसकी बेबीज की बेबीज की बेबीज साग बनाएंगे पकड़ो एकदम इस शरीर का पूरा एस एस गाओ वाइल्ड यू वे गाओ क्रिएटिव काले काले सर्दी से जल गए ऐसा लगता है। पपारी हो रही है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए एक फार्म पे, इसका नाम है द बिग एप्पल फार्म। यहाँ पे हर एक चीज मिलती है, एप्पल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं, साग मिलता है और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स जिनके नाम मेरे सर में अभी नहीं आ रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हो सरसों ही सरसों। तो चलो हमारे साथ आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस बिग एप्पल फार्म को। गाइस आपने अगर हमारा चडले फार्म वाला वीडियो देखा है तो उसमें देखें कितने पेड़ भरे हुए थे एप्पल से। ये भी बेचारे भरे तो हुए थे पर सब नीचे गिर चुके हैं। देख के बड़ा ही ऐसे डिप्रेसिंग सा लग रहा है। जो पेड़ हमने देखे थे पूरा एप्पल ही एप्पल। वी वर एक्सपेक्टिंग द सेम बट हमने सोचा नहीं था कि वेदर इतना चेंज हो गया है और सारे पेड़ से पत्ते जा चुके हैं ऑलमोस्ट। पर देखो थोड़े बहुत ऐसे बचे हैं काले काले, देख रहे हो सर्दी से जल गए ऐसा लगता है। और एप्पल भी है नीचे आप देखो बट सारे ऐसे मुस गए हैं। सो एप्पल पिकिंग तो गुड आइडिया नहीं है बट हाँ यहाँ पे साग है, गाजर, मूली सब कुछ है, वो ज़रूर देखेंगे हम जाके। जैसे अपने वहाँ प्रॉपर हरियाणा में खेत में होता है तो वो दिखाएंगे आपको कैसे है। ऑल्दो हम एक्सपर्ट नहीं है साग पिक करने के लिए, साग खाया हुआ है, साग बनाया भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं हम क्या चूज़ कर पाते हैं। पम्पकिन है यहाँ पे, पेठा है, जो छोटी मोटी हम अपने उधर उगाते हैं ना नीचे जमीन में सब्जियां वो सब है। तो वो हमारे पास है नहीं क्या? वो वाला नहीं है साग यहाँ पे। इंडिया वाला जहाँ होता नहीं पक जाता जल्दी हो ऐसे उसको पत्ते दूजे निकले जो चाइना की गंद लाती वो भी और नहीं लगाते वो भी और नहीं। ये सब तो बेस्ट था है ज्यादा इटालियन लोग ज्यादा जितने गोरे वगैरह सब नहीं इंडियन बहुत लेके जाते हैं। और ये देखिए आप पीछे बैक साइड में वो टपरी से दिख रही है ना जो ये बनाया हुआ शेड, ये जिस फैमिली ने जो ओन करती है वहाँ पे एक अंकल जी हैं वो बैठे हैं। उन्होंने एप्पल्स अच्छे वाले रखे हैं वहाँ पे, सब्जियाँ कुछ जो पिक करके ऑलरेडी रखते हैं वहाँ पे रखी हुई हैं, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। खुद से मन है जाके अपना छाट के लाने का, वो एक वहाँ से अपना एक कैरी बैग देते हैं, कैरी बैग लेके जाओ। और वहाँ पे पीछे बहुत तरह के खेत जाके देखेंगे क्या क्या उगाया हुआ है, वहाँ से अपनी मन मर्जी के आप पिक करके लाओ। और यहाँ पर बिलिंग के टाइम पे उसको चार्ज करेंगे। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है चडले फार्म की तरह। एंड दिस इज द पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हमारे साथ बलवीर अंकल जी हैं जो हमें साग तोड़ने में मदद कर रहे थे। तो ये साग के बारे में बताएंगे जो कनाडा में है। इंडिया में ऐसा साग नहीं होता अंकल जी, ऐसा क्यों है? नहीं ये साग जो है ना इंडिया वाला वो जल्दी बाहर फूल आ जाते हैं। हाँ जी वो ये सेम नहीं बनता हो। ओके ते वो इंडिया का ये वेदर चेंज हो जाता है, वेदर का डिफरेंस है। अच्छा और इंडिया का जो साग है वो नमकीन होता है, ये नमकीन नहीं है ऐसा क्यों? वो नमकीन होता है। ये जो सरों है ना ये सब तो एक्सपेंसिव सरों है। अच्छा एक्सपेंसिव है। हाँ ये इटली भी है की सरों जो। अच्छा ये जी वो ये $100 का एक किलो आता। अच्छा अच्छा और ये अंकल जी ये ब्रोकली हेड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या ब्रोकली की पत्ते हैं सरसों के? ब्रोकली टाइप है। अच्छा ये एक्चुअली ब्रोकली नहीं है सरसों है ये ना? हाँ हाँ ये सरों है जिदा अपने लोग इसको गंदल बोलते है ना पंजाबी जो। हाँ जी इसको इंग्लिश में ब्रोकली हेड कहते हैं। अच्छा जी हाँ इस ब्रोकली हेड बना बहुत हेल्थी होता है। ओके सबसे अच्छा होता है साग। ओके सो ये हम जो गंदल है देख लो कितनी बढ़िया है। हाँ जी थैंक यू अंकल जी तो बढ़िया से। हाँ थैंक यू जी। पत्ते अच्छे हैं इसके, मूली का साग बनाएंगे। खाया ना कभी साग मूली के पत्ते का साग खाया? नहीं। अच्छा है क्या? अच्छा होता है क्या? मिट्टी क्या है, झाड़नी पड़ेगी कैसे? धोनी पड़ेगी घर जाके। एक और ऐसी बड़ी सी ले लेती हूँ, दो और ले लेती हूँ, दिखा कितना आ जाएगा। यस दिखाओ जरा, मैं खींच सकती हूँ? नहीं बेटा ये चुभता है।
नहीं तो मूली ज्यादा मोटी नहीं चाहिए। हाँ ये ले गम लगा के हो दोस्तों। दिस इज फॉर यू गाइस। एकदम अम्ब्रेला जैसा लग रहा है। देखो ये है कनाडा की मूली फ्रेश विद पत्ते। विद पत्ते है, इसके पत्ते अच्छे नहीं लग रहे। इसका देखो पत्ता कैसा लग रहा है, जल गया। एक दो लेने शलगम लेंगे, शलगम मीठी रहती है बिल्कुल। मैं खींचूंगी शलगम। हम छोटे थे ना, हमारा रोहतक में जो घर है, जब वो घर बना नहीं था तो वहाँ पे ना खाली प्लॉट था, वहाँ पे सारी यही बोई हुई थी हमने शलगम मूली। इतनी मीठी शलगम होती थी, पड़ोसी भी ऐसे दीवार कूद के जाते थे और हमारी सारी शलगम मूली खाते थे। है ना, याद आती है सब चीज़ें। ये शायद एक और रहेगा, तीन बस हो गई शायद। शलगम शलगम ट्राई करनी है, शलगम ढूंढनी पड़ेगी शायद। चल पहले कहाँ पे एक कमेंट में थे कि आप जितनी बार ये ब्लो करोगे उतने बजे है रियल लाइफ में, तो लेट्स टेस्ट इट। अभी बजे शायद तीन, सो लेट्स गो। 1 2 3 ये ऐसे नहीं लग रहा तुमने जानबूझ के तीन बड़ी बड़ी फूंक मार दी है। नहीं अभी इस बार अच्छा वाले पे 9 बजे हो तो 9 बार में खाली खाली होगा ऐसा। सो गाइस ये आप देख रहे हो सारे हमारे किसानों के औजार यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई तरह के ट्रैक्टर हैं और ये लगे हुए हैं भाई। मैं कुछ नाम नहीं बताऊंगी, कुछ गलत बोलूंगी तो आप बोलोगे तो औजारों के गलत नाम बता रही। सर जी क्या कैसे चलती है आपकी मशीन? सर बहुत सारे कंट्रोल है यार, इंडिया में तो इतना होता भी नहीं। हाथ मत लगाओ चल पड़ेगा तो। ये तो कुछ और ही है, ये लिफ्ट का है, ये जो सामने जो कंट्रोल है उसको उठाने का। ये देखिए ये कुछ सामान उठाने के लिए है शायद ये इसमें आगे। ये ऐसे कैसे इनके इधर ये गाड़ियां ऐसे धसी हुई है, डिस्प्ले है क्या गाड़ी? यस यूज पुरानी गाड़ी है, मिट्टी में धसी हुई है। पर यहाँ खड़े होके ना, अभी तो हम थोड़ा विंटर में आए हैं, सारे पेड़ वैसे हो रहे हैं। अगर प्रॉपर आओ आप स्प्रिंग में या फिर फॉल में तो कितना अच्छा लगता होगा। yes. खेत के साथ इन केस यू डोंट नो धसी इन हरियाणवी मींस गंदा। धसी ये देखो भाई नकली से हरियाणवी नकली नहीं हूँ ठीक है दोस्तों। अच्छा ये हाँ मैं नकली नहीं हूँ। क्या हो तुम पर हो गया। अच्छा लग रहा है दोस्तों, अपना साग तोड़ा है हमने, एक शलगम बाकी है। शलगम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, शलगम मुझे बहुत पसंद है, मीठी हुई तो खारी खारी नहीं होनी चाहिए। मेथी कहाँ है? मेथी भी मेथी चलो देखते हैं निकालू। मैं निकालूंगी लो पकड़ो पकड़ो देख लो सर कोठड़ा है, इनका चाय का कप है, वो पानी का थर्मस है और यहाँ पे शॉपिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। मेथी मिलती है फ्रोजन, अच्छी मिलती है, फ्रेश वाली तो अच्छी नहीं मिलती। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, पर यहाँ फ्रेश दिख रही है, मिल रही है तो ले लेते हैं, कभी कभी मिलती है। और नव्या और सिया की मेथी फेवरेट, क्या बोलते हो? ये रोज खा सकते हैं, मेथी के परांठे, मेथी की रोटी। सिया सिया फॉर अ चेंज, उसको टेस्ट का भी पता भी नहीं है पर सिया बहुत खाती है मेथी की रोटी, खुश होके वैसी रोटी दो पर उसको इतना पता है मेथी अच्छी लगती है उसको। तो लेट्स टेक सम मेथी फ्रेश। ये देखिए दोस्तों कॉलीफ्लावर में कॉली कॉली रह गई, फ्लावर नहीं है, देयर इज नो फ्लावर। सब मैंने एक एक चेक कर लिया, मैंने किसी में भी फ्लावर नहीं बचा है। There are only collies and leaves left. और नव्या हमारी मान नहीं रही है। Hi. उसको
और मेथी चाहिए। मेथी मुझे बहुत पसंद है, वो एक सब्जी जो मुझे पसंद है, तो मैं तो लूंगी। ले लो, भर लिया? नहीं। पिक योर ओन प्रोड्यूस। तो यहाँ पे अंकल जी से आपको पहले आते ही बैग लेना होता है, उसके बाद आप 15 उसके बाद फिर सब्जी अपनी गाड़ी में ले जाने से पहले अंकल से वजन करवाएंगे और उसके बाद लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पर पॉन्ड के हिसाब से प्राइस है। ले लो एक। थैंक यू। अच्छा पत्ते वाली लेना, मुझे पत्ते का साग लेना, ज्यादा मोटी पक्की ही मत लेना। हाँ ये तो छोटे कर पत्ते नहीं है बिल्कुल। ठीक है ये सलगम का पप्पा है। This is the size we were looking for, बड़े वाले। और नवे तू कितने साइज के लेके आई है? इसकी बेबीज की बेबीज की बेबीज। देख सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं? देखो क्या लेके आई तू? नहीं। ये देखो नवे ने क्या साइज तोड़ा। ये वाला ले सकते हैं? नहीं, इतने बड़े सलगम का क्या करोगे? So it's, मतलब कुछ भी पिक करो सेम रेट है या उनको पता नहीं हम क्या लाए हैं? वजन पे रेट है उनका। तो कोई चीज सस्ती होती है कोई, तो हमने तो मूली ज्यादा ले ली, वजन उसका ज्यादा हो गया होगा। नहीं पर ठीक है, इतना $12 तो ठीक है, फ्रेश सब्जी तो। एडवांटेज ये है कि आपको सारी सब्जियों का एक यूनिफॉर्म रेट मिलने की वजह से कोई सब्जी अगर स्टोर्स में महंगी है तो वो आपको यहाँ ले सकते हो और अपना खुद से सामने तोड़ के ले सकते हो ना, वो सेटिस्फेक्शन कितना बड़ा है भाई। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लिविंग लाइक आरती। ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे छोटे वाले गुस्सा हो गई है, बाय बाय नहीं करने दिया मैंने। लो कर, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। मजा आ गया आज खेलने।